तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की हमारी एक और न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हो डेली टेक। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली, फिर आज की वीडियो में बात करने वाले दोस्तों रियलमी C35 के ऊपर। दोस्तों, अगर आपके पास है तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि गाइस आपको इस वीडियो से इन फ्यूचर में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रियलमी C35 के दोस्तों 6 ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स की रिप्लेसमेंट प्राइस बताऊंगा, जो कि दोस्तों तो हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर किसी रीजन से रिप्लेसमेंट कराना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर घंटा बटन को प्रेस करें, जिससे हमारे हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, दोस्तों वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने पर्सनल कमेंट करके मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी को बता दूं, दोस्तों जो मैं आपको प्राइस बताऊंगा दोस्तों, वो प्राइस सिर्फ जीएसटी इंक्लूड प्राइस बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, जब आप सर्विस सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि किन लोगों को एक्स्ट्रा प्राइस देना होगा और किन लोगों को सिर्फ ओरिजिनल प्राइस ही देना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की। जो बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूँ तो रियलमी C35 में दोस्तों 5000 mAh की आपको बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है किसी रीजन से अगर इन फ्यूचर अगर आप अपनी बैटरी को रिप्लेसमेंट कराते हैं रियलमी सर्विस सेंटर पर, तो गाइस वहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट प्राइस 1000 rupees के आसपास आपको बैटरी की रिप्लेसमेंट प्राइस आपको देनी पड़ जाएगी। तो नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की। दोस्तों, फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूँ तो आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है किसी कारण वैसे अगर आपका साइड माउंट फिंगरप्रिंट खराब हो जाता है, तो वैसे में दोस्तों आप अपने फिंगरप्रिंट को रिप्लेसमेंट या फिर चेंज कराने जाते हैं सर्विस सेंटर पर, तो गाइस वहां पे उसकी रिप्लेसमेंट प्राइस 390 rupees देने पड़ जाएंगे। अराउंड आपको 400 rupees के आसपास आपको फिंगरप्रिंट सेंसर की रिप्लेसमेंट प्राइस आपको देनी पड़ जाएगी। तो नेक्स्ट गाइस, बात करें दोस्तों बैक पैनल की, फिर बैक कवर की। दोस्तों, बैक कवर हो सकता है गिरने की वजह से या फिर किसी रीजन से दोस्तों अगर आपका बैक कवर खराब हो जाता है, बैक पैनल टूट जाता है, तो वैसे में दोस्तों आप अपने बैक कवर का फिर बैक पैनल को रिप्लेसमेंट कराने जाते हैं रियलमी सर्विस सेंटर पर, तो गाइस वहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट प्राइस 449 rupees रिप्लेसमेंट प्राइस आपको देनी पड़ जाएगी। तो नेक्स्ट गाइस, बात करें दोस्तों बैक मेन कैमरे की। दोस्तों, मेन कैमरे की बात करूँ तो आपको 50 megapixel का आपको मेन कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है किसी रीजन से या फिर किसी वजह से दोस्तों अगर आपका मेन कैमरा 50 megapixel खराब हो जाता है, तो वैसे में दोस्तों आप अपने मेन कैमरे को रिप्लेसमेंट कराने जाते हैं सर्विस सेंटर पर, तो वहां पे उसकी रिप्लेसमेंट प्राइस 2499 अराउंड आपको 2500 rupees के आसपास आपको मेन कैमरे की रिप्लेसमेंट प्राइस आपको देनी पड़ जाएगी। तो नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं दोस्तों फ्रंट कैमरे की। दोस्तों, फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो आपको 8 megapixel का अच्छा खासा कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है अभी दोस्तों किसी रीजन से अगर आपका फ्रंट कैमरा 8 megapixel खराब हो जाता है, तो वैसे में दोस्तों आप अपने फ्रंट कैमरे को रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं सर्विस सेंटर पर, तो वहाँ पे रिप्लेसमेंट प्राइस 540 rupees देने पड़ जाए। अराउंड आपको 550 rupees के आसपास आपको फ्रंट कैमरे की रिप्लेसमेंट प्राइस आपको देनी पड़ जाएगी। तो फाइनली गाइस, लास्ट में बात करते दोस्तों स्क्रीन की। दोस्तों, डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले आपको अच्छा खासा पैनल देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले आपको 6.6 इंच फुल एचडी प्लस LCD पैनल देखने को मिल जाता है। लेकिन तो डिस्प्ले की बात करूँ तो आपको अच्छा खासा एवरेज डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है किसी रीजन से अगर आपका डिस्प्ले या फिर स्क्रीन टूट जाती है, गिरने की वजह से फूट जाता है, अदरवाइज दोस्तों आप किसी भी रीजन से आप अपने डिस्प्ले को रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं सर्विस सेंटर पर, तो आज वहाँ पे उसकी रिप्लेसमेंट प्राइस 3649 rupees देने पड़ जाएंगे। अराउंड आपको 3700 rupees के आसपास आपको डिस्प्ले फिर स्क्रीन की रिप्लेसमेंट प्राइस आपको देनी पड़ जाएगी। तो आई होप गाइस कि आप सभी को वीडियो में आइडिया लग गया हो कि दोस्तों आपके फ़ोन के रिप्लेसमेंट प्राइस का कितनी कॉस्ट आपको देनी पड़ जाएगी सर्विस सेंटर पर। तो गाइस, जितने मैंने आपको प्राइस बताया दोस्तों, वो पार्ट की सिर्फ ओरिजिनल प्राइस। लेकिन दोस्तों, जिनका डिवाइस आउट ऑफ वारंटी है दोस्तों, उनको अलग से सर्विस चार्ज देना होगा सर्विस सेंटर में, और जिनका डिवाइस अंडर वारंटी है दोस्तों, उनको सिर्फ पार्ट की ओरिजिनल प्राइस देनी पड़ जाएगी। तो आई होप गाइस कि आप सभी को वीडियो में थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि दोस्तों आपके फोन की रिप्लेसमेंट प्राइस आपको कितनी देनी पड़ जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस कर घंटा बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।